मम्मी। हाँ, क्या है बेटा? तुम अपने स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, इसीलिए अपनी एज से ज्यादा की ही दिखती हो। स्किन केयर, उसके बारे में ज्यादा क्या सोचना। तुम्हें पता है मम्मी, कोरियन वुमेन्स ना ऐसे स्किन केयर सीक्रेट्स फॉलो करती है जिसके वजह से वो बहुत ही यंगर दिखते हैं। वो सीक्रेट्स मैं आपको बताऊं क्या? अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, तो फिर चल। हाँ, तो क्या बता रही थी तू? स्किन केयर सीक्रेट। मम्मी, आपको पता है कोरियन गर्ल्स की ना चाहे कितनी भी एज हो वो बहुत ही यंगर दिखती है और उनकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस भी दिखती है, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में। तो ये लोग स्किन को हाइड्रेटेड कैसे रखते हैं? वो अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए ना राइस वाटर का बहुत इस्तेमाल करती है। आप चाहे तो बॉइल्ड राइस का वाटर यूज़ कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा राइस लेके उसे पानी में सोक करके रख सकते हो हाफ एन आवर के लिए। आप चाहे तो 4 to 5 hours के लिए भी सोक करके रख सकते हो, और उसके बाद उस पानी को कॉटन बॉल में लेके अपनी स्किन में अप्लाई कर लो, और उसे वॉश भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। और ये जो राइस वाटर है ये स्किन को हाइड्रेटेड रखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो स्किन केयर है ना, ये सारे लोगों के स्किन में एक ह्यूज चेंज लाता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना मम्मी। अरे बेटा, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, सारा दिन मैं किचन में ही रहती हूँ। मम्मी, आपको और एक चीज़ पता है, स्किन केयर के लिए ना सन प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सन रेज जो होती है ना वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज करता है। लेकिन मैं तो बच गई, क्योंकि मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं। नहीं मम्मी, नहीं बची, क्योंकि सनरेज आपके घर में नहीं आता है क्या? विंडो से भी तो आता है, तो वो सनरेज भी काफ़ी है आपके स्किन को डैमेज करने के लिए। अच्छा, तो फिर मुझे घर में भी सनस्क्रीन लगाना है? नहीं नहीं, घर में सनस्क्रीन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा सा डे क्रीम लगा सकते हो जिसमें SPF हो। अरे बेटा, तुम ये सब छोड़ो, डे क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, ये मास्क, हमारे ज़माने में इतना कुछ नहीं था, बस क्रीम लगाओ, सो जाओ, कहानी खत्म। हाँ मम्मी, वो पता है, लेकिन आपके ज़माने में कहाँ इतना पॉल्यूशन था और कहाँ टेम्परेचर इतनी 40-50 डिग्री तक होती थी। तो इसीलिए ना आपके ज़माने के साथ हमारे ज़माने को कंपेयर मत करो, बल्कि SPF पे ध्यान दो। हाँ, वो बात तो सही है। तो तुम कौन सा डे क्रीम लगाती हो? मैं ना ममार्थ की डे क्रीम लगाती हूँ, जिसमें SPF 20 है, और इसके साथ साथ इसमें पोमीग्रेनेट और मोरिंगा ऑयल है। बहुत ही अच्छा है ये डे क्रीम, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा चिपचिटा नहीं बनाएगा, बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और घर में रहते हो तो उसके हिसाब से SPF 20 बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, तो फिर ये डे क्रीम तो मैं लगा लूँगी। और कुछ सीक्रेट पता? ओके, सीक्रेट नंबर 3 बताती हूँ, वो है फेशियल मसाज। कोरियंस गर्ल्स फेशियल मसाज पे बहुत ध्यान देते हैं, तो आपको फेशियल मसाज जरूर करना चाहिए। मैं ना आपको 4 to 5 टेक्निक्स बताती हूँ फेशियल मसाज की, और ये सारे जो टेक्निक्स है ना इन्हें आपको फॉलो करना है। मसाज करने के लिए थोड़ी सी एलोवेरा जेल अपने पूरे स्किन में अप्लाई कर लेना है, और फिर चिन से लेके नोज तक और फिर चिक्स के ऊपर से होते हुए कुछ इस तरीके से फेस को मसाज करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर आप दे रहे हो वो बहुत ही जेंटल हो। इसके बाद जिगजैग तरीके से इस तरीके से आप फोरहेड को मसाज कर सकते हो, जिससे फाइन लाइंस के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर हैंड्स को इस तरीके से टेम्पल टाइप होल्ड करके फोरहेड से लेके चिक्स तक सर्कुलर मोशन में आप बहुत ही जेंटल प्रेशर के साथ मसाज कर सकते हो। फिर चिन को मसाज करने के लिए आप अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मसाज कर सकते हो। सारे मसाज को आपको मिनिमम 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है और बहुत ही जेंटली करना है। और फिर चिक्स को आप इस तरीके से पिंच करते हुए मसाज कर सकते हो, और फिर अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड के पूरे फेस को कुछ इस तरीके से आप मसाज कर सकते हो, और फिर सेम चीज़ आप ऑपोजिट डायरेक्शन से भी कर सकते हो, और फिर इस तरीके से टैप करते हुए अपने पूरे फेस को मसाज कर सकते हो। अच्छा, तो फिर ये फेशियल मसाज हर रोज करना है या फिर कभी कभी? नहीं मम्मी, हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीक में बस 2 दिन कर लो काफ़ी है।
हाँ, और एक चीज, आपने एक स्किन टाइटनिंग फेस मास्क भी जरूर ट्राई करना। फेस मास्क बनाने के लिए थोड़ी सी मसूर की दाल लेना है, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई अपराजिता फ्लावर, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये जो फेस मास्क है बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, मुझे तो खा जाने का मन कर रहा था। और ये जो फेस मास्क है फेस लिफ्टिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। मसूर दाल और अपराजिता फ्लावर दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके स्किन में एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करती है। फेस मास्क को 10 टू 15 मिनट छोड़ने के बाद नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये सब मैं कर लूंगी और रात को सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के सो जाना है ना? नहीं मम्मी, यही तो मिस्टेक करते हो आप, वो है बस मॉइस्चराइजर लगाते हो और सो जाते हो। मॉइस्चराइजर आपके स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज ही करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए नाइट टाइम के लिए आपको अलग से नाइट क्रीम लगाना चाहिए, क्योंकि नाइट क्रीम ऐसे ही इंग्रेडिएंट से बना होता है जो आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और आपको ये पता है नाइट टाइम में ना हमारी स्किन सबसे ज्यादा रिपेयर होती है, तो इस टाइम के स्किन केयर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा देती हूँ, मैं ना अच्छी सी नाइट क्रीम लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ मामा अर्थ की नाइट क्रीम। और ये जो नाइट क्रीम है ना, ये स्किन को फार्म करता है और साथ साथ स्किन में एक बहुत अच्छा ब्राइटनेस भी लाता है, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ मम्मी, और एक बात, आप ना एक आई क्रीम ही लगाना, एक DIY आई क्रीम बना सकते हो। थोड़ी सी एलोवेरा जेल ले लो और उसके साथ विटामिन ई ऑयल मिक्स करो और उसके बाद आंखों के चारों ओर लगाओ और बस सो जाओ। आपकी ये जो स्किन केयर है ना, बहुत ही ऑसमली वर्क करेगी आपके लिए। मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, तो अगर आप इन्हें लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इन्हें अमेजोन, नायका और मामा अर्थ के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर आप मामा अर्थ के वेबसाइट से इन्हें परचेस करते हैं तो त्रिशा 20 कोड यूज करने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगी। Hey guys, hope आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। और सारे जो स्किन केयर टिप्स मैंने शेयर किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बहुत एज हो चुकी है तो आपको फॉलो करना है। अगर आप टीनेजर हो तो भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, और अगर आपकी एज 20 या फिर 20 अप हो रही है तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसी एज से अगर आप कॉन्शियस रहेंगे और साथ साथ अपने स्किन केयर पर ध्यान देंगे तो आपके साइंस ऑफ एजिंग जो है वो बहुत लेट आएगी आपकी स्किन में, तो ज़रूर ध्यान दीजिए। होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करना, और उसके साथ साथ इस वीडियो रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे आज के वीडियो को यही पर खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करना। तो मेरे आज के वीडियो को यही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।